वैसे तो मैं लेक्चर 1 महीने बाद लेता हूँ, पर चलो आज ही सही। जेई एडवांस हमारा लाइफ ऑल्टरिंग क्रिटिकल इवेंट है, मतलब एग्जाम खत्म होने तक हम लोग बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? भैया ऑसम। ये तो मैं पहले से ही हूं। अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला। औसे औषधि। सो आज सब लोग जाओगे, अपना टेस्ट कराओगे। कुछ बीमारी निकले तो आज से ही औषधि लेना शुरू करो। पर किस बात की भैया, हम तो बीमार भी नहीं हैं। हाँ जी, सबको यही लगता है कि हम बीमार ही नहीं है। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट पेन ना कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिट हैं। हम फिट तब हैं जब हमारी बॉडी का हर ऑर्गन अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा हो। बोलो, कर रहा है? करता है। अच्छा, तो ये बताओ कि कितनों को लगता है कि 8 घंटे की नींद के बावजूद वो लोग थकान फील करते हैं? कितनों को लगता है कि वो लोग ज्यादा देर तक फोकस ही नहीं कर पाते? और कितने लोगों को लगता है कि वो चाहे कितनी भी कॉन्स्टेंट की वैल्यूज रट लें पर बार बार भूल रहे हैं? तो बताओ, कैसे बता सकते हैं कि हम लोग अपनी नेचुरल स्टेट में हैं या बीमार हैं? हम में से काफी लोग बीमार हो सकते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टडीज बोल रही हैं। स्टडीज बोलती हैं कि जनरली 20% लोगों में विटामिन B12 और 85% लोगों में विटामिन डी और 50% लोगों में हीमोग्लोबिन। तो ये सब टेस्ट कराओ आज जाके, कुछ भी कम आए तो औषधि, सैसे स्वच्छता, साफ सफाई रखो, कपड़े रेगुलरली धो, जो 2 दिन छोड़ के नहा रहे हैं रोज नहाना शुरू करो, और तू अभी हफ्ते में 1 दिन नहाने से शुरू कर। ये स्कूल या जॉब नहीं है, जेई में सिक लीव नहीं चलती। अगर यहां बीमार पड़ गए तो गलती तुम्हारी होगी। तो जाओ कल बहेती हॉस्पिटल टेस्ट कराओ। और भैया माँ से? उसकी नौबत ना आए तो अच्छा माल है, चढ़ाने का टाइम आ गया है, जरूरत पड़ने में बताऊं। मौसम का मैं याद है? हाँ भैया। माँ से मम्मी।